कुरान की 26 आयतों पर एतराज जताने वाले वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों का न्यायपालिका की ओर विश्वास बढ़ा है। देश के माहौल को खराब करने वाले रिजवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है। आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आज ये फैसला लेकर इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जो वसीम जैसी रिजवी जो लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जाति धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पर ये एक करारा तमाचा है। और जो इस तरह की अनावश्यक PIL डालकर कोर्ट का भी और लोगों को बांटने का काम करते हैं, तो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए उन याचिकाओं को खारिज किया है। साथ ही साथ 50,000 रुपए का जो जुर्माना किया है, इससे उन लोगों को एक जो अनावश्यक PIL डालकर कोर्ट के समय की बर्बादी करते हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और ऐसे लोगों को पर कोर्ट, मैं तो ये कहता हूँ 50,000 रुपए का जुर्माना तो कम था, इन लोगों के लिए कोई और भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत बनी हुई है, वे लोगों को समाज धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और इस देश को विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस अनावश्यक PIL डालकर कोर्ट का समय बर्बाद करना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। मैं सबसे पहले ऐसे आदमी को समाज में रहने का और ऐसे आदमी को कंडम करता हूँ। ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है समाज में, उसको मतलब कोई भी जगह दी जाए। इसने देश को बांटने का काम किया है और आपसी झगड़े, आपसी भाईचारा और एक धार्मिक उसको ठेस पहुंचाने का काम किया इसने, वसीम रिजवी ने। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 50,000 का जुर्माना लगा के एक मुलजिम को, मैं तो इसको भी, लेकिन जो इसने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है मैं उससे काफ़ी खुश हूं और काफ़ी अच्छा किया है। हमारे देश में इस चीज़ से पता चलता है कि हमारे यहाँ कानून के हाथ इतने कमज़ोर नहीं कि ऐसे मतलब बीच में दंगे भड़काने वाले और एक गंदे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसे आदमी को कम से कम उम्र कैद, और आगे भी मैं कहना चाहता हूँ कि समाज में उसका जितना बहिष्कार हो सके उससे बिल्कुल बाइकाट उसका करना चाहिए।